हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली। व्यूवर्स देखने वाले कि राइट नाउ की एनर्जी क्या है आपके पर्सन की, आपके पर्सन आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। तो व्यूवर चलिए जान लेते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, व्यूवर सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है रेजोनेट हो सकता है रेजोनेट ना हो। तो जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेके क्या फीलिंग है उनकी। सो पॉजिटिव रहिएगा व्यूअर्स, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए और देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर की क्या है ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ की। ओके, बहुत ही सुंदर कार्ड आया है व्यूअर्स आपके लिए। क्लोजनेस, 5 नंबर की एनर्जी है, सोल सेटिस्फैक्शन एंड आर्कएंजल माइकल। बॉटम से आता है क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न एंड आर्कएंजल राफेल। ओके, दो दो आर्कएंजल की गाइज यहाँ पे एनर्जी है आपके लिए अगर देखा जाए। और ये दोनों ही एनर्जी गाइज यहाँ पे आपको क्या बताती है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ इसको। एक तो यहाँ पे बात हो रही है सच की, सच्चाई की, कम्युनिकेशन की। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब सच कहना और सच सुनना। आपके पर्सन के मन में व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि इसको, आपके पर्सन को इस तरफ प्रोवोक किया जा रहा है कि वो एटलीस्ट इस रिलेशनशिप का सच सुने और कहें, आपको बताएं। और जो बातें हिडन हैं, जो बातें ये अपने दिल में जब दबा के चल रहे हैं, जो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कह नहीं रहे हैं या छुपा रहे हैं, या उनके दिल में अगर आपके लिए प्यार भी है तो वो प्यार को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, उस फीलिंग्स को वो क्यों छुपा रहे हैं, क्यों दबा रहे हैं, क्यों पीछे भाग रहे हैं, क्यों सच का साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और यही वजह है व्यूअर्स यहाँ पे कि इस रिलेशनशिप में अगर देखा जाए, सबसे पहला एक कार्ड हमारे पास क्लोजनेस का आता है, यानी कि इस पर्सन को भी कुछ चेंजेस इसकी लाइफ में आए हैं। इस पर्सन की लाइफ में वो चेंज क्या कराते हैं, एक अट्रैक्शन फील करवाते हैं, एक क्लोजनेस फील करवाते हैं आपके तरफ, आपके पर्सन का ये फील करवाते हैं कि अगर आपको कोई समझ सकता है तो वो आपका वही पार्टनर है जिससे आप अभी दूर हो, जिससे आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक तरह से सेपरेशन लेके चल रहे हो, या जिसको आप अवॉइड कर रहे हो, या जिसकी आप वैल्यू नहीं समझ रहे हो। तो उसे कॉल करो, उसको अपनी लाइफ में इनवाइट करो, उसको कनेक्ट करो अपने साथ में। तो ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आती है। और एक चीज़ और व्यूअर्स यहाँ पे है कि इस पर्सन को भी अगर देखा जाए, सुकून तब तक नहीं मिलेगा इस पर्सन को भी। ये ऐसे ही भटकते रहेंगे अपनी ज़िंदगी में सुकून की तलाश में, क्योंकि सुकून इनका, इनकी आत्मा को सुकून तो आपके साथ में जुड़ा हुआ है, और वो सुकून इनको चाहिए दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं, किसी के साथ में भी कनेक्ट हो जाए। लेकिन जो सुकून आपकी एक रूह के साथ में कनेक्ट होके आता है, आपके प्यार के साथ में कनेक्ट होके आता है, वो इसे किसी और के साथ में मिल ही नहीं सकता। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो आप इस पर्सन को आवाज़ दे रहे हो टेलीपैथिकली, या फिर वैसे अपने दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो, पुकार रहे हो, इस पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि कोई तो है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है, कोई तो है जो मुझे याद कर रहा है, कोई तो है जिसके जिसके दिल में मेरे लिए प्यार ही प्यार है, नफरत नहीं करता वो इंसान मुझसे। ठीक है, कोई है जो मेरे करीब आना चाहता, या कोई है जो मेरे लिए आज भी अपने मन में बहुत सारा इंतज़ार लेके बैठा हुआ है कि कब वो आएगा, कब मैं उसका हो जाऊँगा, कब वो मेरी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह के व्यूअर्स यहाँ पर एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आप समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आर्कएंजल की एनर्जी यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारी बातें जो अनसुनी हैं, अनकही हैं, उनको कहने के लिए प्रोवोक किया जा रहा है, और उससे हील हो ये रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप बेहतर हो, ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, इस रिलेशनशिप में जो खटास आ गई है वो दूर हो जाए, इस रिलेशनशिप में मनमुटाव दूर हो जाए, कहना सुनना हो, दुख दर्द अपने ख़त्म हो। ठीक है, ये सारी फीलिंग्स व्यूअर्स यहाँ पे फील हो रही है, यानी इस पर्सन को भी इंटरनली ये फील हो रहा है कि मुझे उससे बात करनी है, या फिर मुझे उससे मिलना है, या मुझे उससे कुछ कहना है, सुनना है। ठीक है, और मुझे जो एक नज़दीकी वाला जो एक एहसास होता है किसी को अपने पास फील कर पाने वाला, वो सिर्फ इस कनेक्शन में ही होता है। ठीक है, तो ऐसी व्यूअर्स मुझे यहाँ पे फीलिंग्स से आपके पर्सन की नज़र आती हैं। और देखते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं, गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में इनको लेके क्या है
ओके, नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, थ्री ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड एंड द पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास हाई प्रिस्टेस एंड जस्टिस। वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी वीवर्स यहाँ पे आपके लिए आई है। अब देखो वीवर्स, ये जो पर्सन है, मतलब इसको आपकी याद बहुत आई है, और ये पर्सन वीवर्स याद तो आई है इसको, लेकिन याद देखो किस तरीके से आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। मतलब कोई है अपना जो आपसे दूर हो गया है, कोई है जो आपके दिल के बहुत नज़दीक था, आप उसे खो बैठे हो, आप उसे रिश्ता तोड़ के बैठे हुए हो, या फिर आपके वो दिल के इतना करीब है वीवर्स, जो इस पर्सन की एनर्जी का इसको यही फील हो रहा है कि वो रिश्ता मैं भूल नहीं सकता, उस पर्सन को मैं भूल नहीं सकता, आज ये रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन इस पर्सन को आपकी याद बहुत आ रही है, बहुत मिस कर रहे हैं उस प्यार को, उस कनेक्शन को, उस डिवाइन टाइमिंग को जो आप दोनों के बीच में चल रहा था, वो समय वीवर्स इस पर्सन को आज बहुत याद आ रहा है, और ये चाह के भी भूल नहीं सकते वीवर्स आपको, ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो वीवर्स कहीं ना कहीं इस पर्सन के जो दिल में आपके लिए जो प्यार था, जो या तो ख़त्म हो गया था, या दफन हो गया था, या मिट गया था, आज उसी को याद करके वीवर्स ये पर्सन आज मुझे बहुत ज़्यादा रोते हुए, तड़पते हुए, अपने अकेलेपन को महसूस करते हुए, अपने अकेलेपन में रोते हुए वीवर्स आपके लिए यहाँ पर नज़र आते हैं। ये ऐसी एनर्जी गाइस, जब कहते हैं ना, जब इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं होता है तभी जाके आपको उसकी वैल्यू का एहसास होता है। अगर वो इंसान आपके साथ हो, आपके साथ में रह रहा हो, उठ रहा हो, बैठ रहा हो, हंस रहा हो, खेल रहा हो, तब आप उसको खुश करने की कोशिश नहीं करते हो, या उसकी वैल्यू नहीं करते हो, या उसके साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, इग्नोर करते हो, अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में लगे रहते हो। लेकिन जब वो आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, जब आपको उसकी खाली जगह नज़र आती है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है कि यहाँ पे वो रहता था, यहाँ पे वो बात करता था, इस समय मतलब वो मुझसे कनेक्टेड रहता था, या फिर वो मेरे लिए इतना सब कुछ करता था, तो करता था, अब है नहीं, उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्लेस अधूरा है, वो खाली है, वो तन्हा है। और जब जब वो खाली प्लेस को वीवर्स ये पर्सन देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से, आपके केयर से भरा हुआ था, इस पर्सन को वीवर्स वो सब चीज़ें बहुत मिस हो रही है, कि इनको लग रहा है कि आज इनके कोई केयर करने वाला नहीं है, इनको कोई समझने वाला नहीं है, इनके दुख दर्द को कोई पूछने वाला नहीं है, इनकी आंखों से आंसू कोई पोंछने वाला नहीं है, और एक अच्छे भाग्य को, एक अच्छे रिश्ते को ठुकरा देने का जो अफसोस है वीवर्स यहाँ पर, वो इस पर्सन को यहाँ पर नज़र आ रहा है, फील हो रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए वीवर्स रिग्रेट भी है, और खो देने का किसी को एहसास भी यहाँ पे नज़र आता है। खो दिया है इसने आपको, और इसको ऐसा भी लग रहा व्यूवर्स, अगर खोया नहीं है तो इसको डर भी है कि अगर कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं उसको खो बैठूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाए, और अगर वो चला गया, यानी आप अगर चले गए, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं क्या करूँगी, तो इसको खो देने का डर भी यहाँ पर महसूस हुआ है। और अगर आप इसकी ज़िंदगी से ऑलरेडी जा चुके हो, तो जाने के बाद का जो रिग्रेट है वीवर्स यहाँ पे, वो भी यहाँ पे बहुत मुझे महसूस होता हुआ नज़र आता है। लुकिंग फॉरवर्ड है अपनी ज़िंदगी में, इनको कहीं ना कहीं खालीपन, अकेलापन भी नज़र आता है, साथ ही साथ ही अपनी ज़िंदगी में तलाश रहे हैं। देखा जाए एक तरह से कनेक्शन तलाशते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं। सो बीइंग अ सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल क्या वीवर्स, यहाँ पर प्रेयर है, यहाँ पर एक यहाँ पे फीलिंग है वीवर्स, मन की भावनाएं हैं यहाँ पे, जो जस्टिस को रिप्रेजेंट करती हैं, जो इमोशंस में कहीं ना कहीं रिश्तों में जस्टिस को रिप्रेजेंट करती हैं, कि ये जो पर्सन है आज इसको लग रहा है कि मेरे रिश्ते में इनजस्टिस हुआ है, मैंने खुद किया है, या फिर कहीं ना कहीं हालातों की वजह से इन्होंने, आपके पर्सन ने किया है, तो आज आपके पर्सन वीवर्स एक जस्टिस को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो ये बुरा वक्त आया है ये कट जाए, ये कर्मा जो हुए हैं, हो रहे हैं, जो कर्मा इनसे हो गए हैं, वो कट जाए, उनसे ये बाहर निकले, क्योंकि एक रिश्ता ख़त्म होना और कोई जानबूझ के ख़त्म होना, किसी की लाइफ को ख़राब कर देना, बर्बाद कर देना भी जिस लाइफ का कर्मा में ही आता है। और ये पर्सन वीवर्स अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये जो टाइम फ्रेम है, अगर कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है तो वो भी एंड हो, और एक तरह से इस रिलेशनशिप में सच के साथ में जस्टिस हो, ठीक है, सच्चाई ये भी बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत वीवर्स आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू,
दे कांट लिव विदाउट यू, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी आई है हीलिंग को रिप्रेजेंट करती है, टूटी हुई चीज़ को जोड़ना रिप्रेजेंट करती है। तो ये पर्सन रिवर्स यहाँ पे यही है, जैसे आप होता है ना बीमार होते हो तो क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपके अंदर जो भी कमी होती है उसको लेके कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि आप फिर से एक एनर्जेटिक एनर्जी में आ जाओ और अपने कामों को कर सको या अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सको। तो वही है, ये रिश्ता विवर्स ऐसा ही हो गया है जिसमें एनर्जी ख़त्म हो गई है, जिसमें सपोर्ट ख़त्म हो गई है, जो अपने कदमों पे झुक 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 गया है रिश्ता। मतलब ऐसा है ना कि अब रिश्ता चल नहीं रहा, अब रिश्ता यहाँ पे सपोर्ट मांगता है, सहारा मांगता है, अपनापन और केयर मांगता है। तो बस इस रिश्ते में वही किया जा रहा है ताकि इसमें वो मेडिसिन डाली जाए, एक सपोर्ट की, एक प्यार की, एक केयर की, एक सच की, एक कम्युनिकेशन की, ताकि ये रिश्ता फिर से खड़ा हो और फिर वो चल सके अपने 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 आप ही अपने कदमों पे। तो वही एनर्जी गाइज इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है, दे वॉन्ट सम काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन यू, ठीक है, मतलब आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है व्यूवर्स, वो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए वो हील होता हुआ ही नज़र आता है। और ब्लेसिंग्स विद लव्स की एनर्जी गाइज यहाँ पर आ रही है आपके लिए। तो इस पर्सन के मन में व्यूवर्स आपको लेके एक प्यार की भावना जाग रही है, और एक जो नज़दीकियाँ इस पर्सन ने खो दी हैं आपके साथ में, जो केयर इस पर्सन ने खो दी आपके साथ में, जो जो सपोर्ट इस रिश्ते में मिल रही थी, इनको आज ये खो के बहुत पछताते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। दे वॉन्ट यू, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पर मिलती है, और खुद के कर्मा भी व्यूवर्स इस पर्सन को हिट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी गाइज है। मतलब ऐसा समझ लो कि इस पर्सन के लाइफ में इनको तलाश है कुछ किसी ऐसे रास्ते की, जिस रास्ते पर चल के ये एक नई शुरुआत कर सके, ठीक है। जैसे होता है ना कुछ डेड एंड आ जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या करोगे, ठीक है। तो वही है, रास्ते तलाश रहे हैं आपकी तरफ, अगर आना भी है तो उसमें कौन सा रास्ता सही रहेगा, क्या करना सही रहेगा। तो चलिए व्यूवर्स यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है, इस पर्सन के और आपके कनेक्शन को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या मैसेजेस हैं। ओके, मिस्टिज्म, प्रेयर, गिल्टी, गिल्ट है और सर्विस है। देखो व्यूवर्स यहाँ पे इस पर्सन का, देखो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, एक ऐसी एनर्जी गाइज मिलती है जो ये दिखाती है कि एक हरा भरा रिश्ता, एक भरा भर कहते ना, जिस रिश्ते में हर एक तरह की अबंडेंस थी, सब कुछ था, उस रिश्ते को टॉक्सिक कर दिया गया, उस रिश्ते को बर्बाद कर दिया गया, उस रिश्ते में शक डाउट भी आ गया, उस रिश्ते में झूठ भी आ गया, फरेब भी आ गया, ठीक है, सब कुछ आ गया। और जो रिश्ते में एक विश्वास था, जो अबंडेंस थी, जो खुशियाँ थी, वो सब मिट गई, सब ख़त्म हो गई। और ये पर्सन व्यूवर्स आज मुझे अपनी ज़िंदगी का ऐसा हालात देख के, ऐसे हालातों को देख के, ऐसी ज़िंदगी को देख के और ज़्यादा मुझे निराश नज़र आते हैं। और ये क्या चाहते हैं ये व्यूवर्स यहाँ पे, मतलब एक प्रेयर की एनर्जी मिलती है एक तरह से, अगर देखा जाए कि प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से, चाहे वो किसी भी तरह से कर रहे हों, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी जाके हो, या फिर घर में बैठ के भी हो, या फिर किसी भी वक्त, जैसे हम कहते हैं ना ईश्वर को याद करते हैं, तो वैसे याद करके व्यूवर्स ये जो पर्सन है वो क्या चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप फिर से सर्विस में आ जाए, यानी कि इसकी रिपेयरिंग हो, इसमें जो भी कमी आ गई उसे ख़त्म हो, और इनको हेल्प मिले, इनको सपोर्ट मिले, इनको साथ मिले अपने लोगों का। वही एनर्जी गाइज यहाँ पे हीलिंग की दोबारा आई है, यानी कहीं ना कहीं ये हीलिंग ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए आर्कएंजल राफेल की भी यहाँ पे एनर्जी है, जो कि दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मतलब एक परीक्षा ले रहे हैं इस पर्सन की भी। जस्टिस यही है कि जस्टिस, जब तक इनको पूरा का पूरा इनका अपना सच का आईना नहीं दिखा दिया जाएगा कि देखो तुमने किसी के साथ में क्या किया है या किस वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, तुम उस जड़ को पकड़ो, ठीक है। जब तक तुम उस डीप में नहीं उतरोगे, उस गहराई में उस दर्द को नहीं फील करोगे, तब तक तुम्हें, अगर मैं ये रिश्ता दे भी दूँ, ठीक है, जैसे एंजल कह रहे हैं, अगर मैं तुम्हें रिश्ता दे भी दूँ, तुम फिर से वही गलती करोगे, ठीक है, तुम फिर से वही गलती करोगे, क्योंकि तुम्हें अपनी गलतियों से सबक लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इस पर्सन को व्यूवर्स और ज़्यादा कहीं ना कहीं गिल्टी फील करवाई जा रही है, दो दो बार गिल्टी आ गई है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। इस पर्सन को इसके सामने ऐसी सिचुएशन बार बार खड़ी करी जा रही है कि ये समझे कि इसने क्या वैल्यूबल खोया है। मतलब जैसे आजकल देखा नहीं है कि पहले की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में लोग कितना कंपेरिजन करते हैं, और आजकल लोगों को अपनी पुरानी पास्ट वाली लाइफ बहुत पसंद आती है, वो सुकून भरी लाइफ, आप आजकल सब कुछ है, लेकिन सब कुछ मतलब मोबाइल है, लेकिन फिर भी
रिश्तों में नज़दीकियाँ नहीं हैं। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी थी लोगों को पास लाने के लिए, लेकिन फिर भी दूर हैं आज। बात करने को तरसते हैं, मिलने को तरसते हैं, अपने एहसासों को बयां करने से तरसते हैं लोग। लेकिन जब पहले दूर हुआ करते थे तो लेटर से फीलिंग्स बताई जाती थी और अपनी मिल के जो फीलिंग दिखाई जाती थी उसका अनुभव ही कुछ हुआ और हुआ करता था। तो आज व्यूअर्स वही है, इस पर्सन को भी एहसास किया जा रहा है कि तुमने देखो कितने अच्छे समय को या कितने अच्छे रिश्ते को तुमने ख़राब कर लिया है और तुमने क्या खोया है। ठीक है, अपनी इग्नोरेंस में किसी को वक्त ना देके, किसी को समय ना देके, किसी के फीलिंग्स इमोशन की कदर ना करके और किसी को रुला के, किसी को तड़पा के। तो आज जब ये पर्सन व्यूअर्स अपने अंदर वो अकेलापन वो फील कर रहे हैं ना, वो आपकी ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं, तो उनको और ज़्यादा गिल्टी हो रही है कि इन्होंने क्या खोया है। मे बी समवेयर व्यूअर्स ऐसा भी हो सकता है, आपके पर्सन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी जो ड्रिंक करते हों, ड्रिंक वगैरह करते हों, ठीक है, जैसे कि सहारा लेते हों अपने इमोशन को कंट्रोल करने का या भुला देने का। तो आपको भुलाने की भी व्यूअर्स समटाइम ये कोशिश करते हैं जब इनको लगता है कि आप इनके इनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकते या फिर कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई सिचुएशन नहीं बची है आपको दोबारा से पाने की। तो ये कुछ ऐसा भी करते होंगे, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब अपना गम छुपाने के लिए, भुलाने के लिए इस तरह के सहारे भी लेते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए, पुरानी जैसी हो जाए और इनको आपका साथ, आपका प्यार फिर से पहले की तरह मिल जाए। काश कुछ ऐसा हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये ज़िंदगी, ये मन की आवाज़ है, ये फीलिंग है व्यूअर्स इस पर्सन की, जो ये पर्सन अपने दिल में दबा के बैठा है, छुपा के बैठा है कि मेरी ज़िंदगी में जस्टिस हो जाए, मुझे मेरी ज़िंदगी में मुझे खुशियाँ मिल जाएँ। ठीक है, तो आज आपके पर्सन की व्यूअर्स ये फीलिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, क्योंकि करंटली अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन व्यूअर्स खुश नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपसे ये रीडिंग अगर व्यूअर्स कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।